हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता देता हूं। तो क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? ये खुद और इनके साथी फ्रॉम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एपार्थाइड के अगेंस्ट अपनी ज्यादातर लाइफ गुजार दी सिर्फ प्रिजन में ही, और इसकी वजह से मंडेला को 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने इस नए नेशन के। तो वर्ड एपार्थाइड का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों को अलग किया जाता था, भेदभाव किया जाता था उनके रेस के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। तो ये एक्सट्रैक्ट मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, जिसमें इन्होंने अपने लाइफ की एक ऐतिहासिक पल टाइम के बारे में बता रहे हैं। क्या आप सभी ये गेस कर सकते हैं कि वो पल ओकेजन क्या था? तो ये आप एक छोटे से आर्टिकल को पढ़ के पता लगा सकते हैं जो बीबीसी न्यूज़पेपर में 10th मई 1994 में छपा था। तो इस न्यूज में क्या था, आइए जानते हैं। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और ये इसलिए था क्योंकि पिछले 30 इयर्स तक यहाँ पे व्हाइट्स यानी अंग्रेज रूल किया करते थे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हुआ वो साउथ अफ्रीका के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मंडेला की पार्टी एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीट्स में से 252 सीट्स पे जीत हासिल की थी। एक इनॉग्रेशन पार्टी में लगभग 140 कंट्री के बड़े लोग इस सेरेमनी में आए हुए थे। नेल्सन मंडेला ने जब स्पीच दी अपनी, तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर आज के बाद से कोई भी इंसान दूसरे इंसान से दबाए जाने का, नीचा दिखाने जाने का शिकार नहीं होगा। इस सेरेमनी में लगभग 1,00,000 से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन लोग, वुमेन, मेन, चिल्ड्रन, सभी रेसेस के यहाँ पे आए थे, डांस किए और इंजॉय किए। वैसे अब आप लोग कोई भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट 10th एंड 12th ऑफ ऑल स्टेट को बस एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो 10th मई की सुबह एक नया सवेरा लेके आया था, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए लोग सुबह से ही आने लगे, दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, दूसरे अमीर लोग, सभी लोग आ रहे थे क्योंकि उस दिन इनॉग्रेशन होने वाला था। ये गैदरिंग अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। इनॉग्रेशन सेरेमनी सैंडस्टोन एमपी थिएटर में होनी थी। डेट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। पिछले कई डिकेड्स तक अंग्रेजों ने यहाँ पे रूल किया था, लेकिन आज ये प्लेस एक रेनबो जैसा दिख रहा होता है क्योंकि यहाँ पे हरेक कलर के, हरेक रेसेस के लोग आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। वो ऑटम का खुशनुमा दिन था और उनके साथ उनकी बेटी जेनानी थी। मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। मिस्टर डी क्लर्क के बाद थाबो एम बेकी को फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया, और लास्टली उनका टर्न आया, यानी खुद नेल्सन मंडेला का टर्न आया। उन्होंने शपथ ली कि वो सब कुछ राइट वे में फॉलो करेंगे, पूरे डिवोशन के साथ काम करेंगे, लोगों के भलाई के लिए वो काम करेंगे। नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया से कहा, जो उन्हें देख रहे हैं, कि जो ग्लोरी और लिबर्टी उन्हें मिली है वो सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और अब तक जो भी प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस किया था सब अंत हो जाएगा, और इसे न्यू ह्यूमैनिटी पे सबको प्राउड होगा, और इस न्यू ह्यूमैनिटी पे सबको प्राउड होगा, गर्व होगा।
मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया करता हूँ, उन तमाम लोगों को जो वहां आए हुए हैं। और ये जीत सबकी जीत है, सभी की जीत है, या तो वो जस्टिस हो, पीस हो, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी की हो, वो सबकी जीत है। वो कहते हैं कि हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं जो अब तक पुअर लाइफ जी रहे होते हैं, जो सफर कर रहे थे जेंडर या उनके कलर रेसेस को लेके, वो भेदभाव अब नहीं रहेगा, उन सबको आजाद कर देंगे। आज के बाद कभी नहीं, कभी नहीं, कि ये खूबसूरत सी धरती पे ये सारा बुरा एक्सपीरियंस को जो लोग सफर करेंगे, ये आज के बाद कभी नहीं होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को दबा रहा है। ये नया सवेरा, न्यू सन विल नेवर सेट अगेन, ये आजादी हमेशा बरकरार रहेगा, एंड गॉड हमारे कंट्री अफ्रीका पे अपनी दृष्टि बनाए रखे। जब कुछ देर बाद हम सभी लोगों ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ की तो एक मनमोहक दृश्य देखने को मिला। साउथ अफ्रीका के जीत हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स, इन सभी ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना कर्तव्य दिखाया। ये सभी चीज़ बस एक लॉयलिटी दिखाने का बस एक तरीका था कि हम सब साथ हैं विद न्यू गवर्नमेंट, जहां अब डेमोक्रेटिक रूल थे। इन सब से कुछ देर पहले ही बड़े बड़े जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस ने ये शपथ लिया कि वो लोग इस न्यू गवर्नमेंट, नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट के प्रति पूरा वफादार लॉयल रहेंगे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें ये अच्छे से याद थी कि जो लोग आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं, वही लोग उन्हें अरेस्ट किया करते थे। तुरंत थोड़े देर बाद ही एक इम्पाला जेट स्मोक, धुआं छोड़ता हुआ, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर थे, और ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग को दर्शाता है। ये दिन उनके लिए काफ़ी यादगार रही क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए थे। वाइट्स अपने नेशनल एंथम गा रहे थे और ब्लैक अपने पुराना नेशनल एंथम गा रहे थे, और ये एंथम कुछ दिनों में सबके जुबा और दिल में होंगे लाइन बाय लाइन। मंडेला कहते हैं कि जिस दिन उनका इनॉग्रेशन था, उस दिन वो अपने पास्ट को सोच वो थोड़े से उनमें डूब जाते हैं। 20th century के कुछ समय पहले की बात थी जब एंग्लो वार हुआ था, और मंडेला के खुद के जन्म से पहले जो वाइट्स थे वो साउथ अफ्रीकन में खुद के रूल्स बना दिए थे रेसियल लोगों के खिलाफ, उनके ही खुद के लैंड में, कंट्री में। और ये रूल ने एक ऐसा सोसाइटी को जन्म दिया जो काफ़ी कठोर थी, लेकिन ये 20th century के लास्ट दिनों में ये डिफरेंस इन ह्यूमैनिटी सब ख़त्म कर दिया गया है और न्यू सिस्टम को बनाया गया जिसमें सभी के लिए इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो कोई भी रेस कलर के क्यों ना हो। और ये दिन उन सभी लोगों के सालों सालों के बलिदान, सेक्रीफाइस से हुआ, जिसके बारे में कभी नहीं भूला जा सकता है। वो सभी पैट्रियोटिक लोग मेरे जरिए यानी मंडेला के जरिए उनके अंदर हैं और इस आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। अपार्टहाइड की पॉलिसी एक ऐसे पॉलिसी थी उनके कंट्री, उनके लोगों के लिए, जिसके चोट की निशान हमेशा ही रहेंगे, और इससे बाहर निकलने में भी उन्हें काफ़ी साल लग जाएंगे। लेकिन इन सब में कुछ लोग, वाल्टर सिसुलू जैसे लोगों का काफ़ी बड़ा हेल्प था कि आज वो लोग आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, और लोग शायद ही ऐसा कोई बन पाएगा और देखने को शायद ही ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन आज जो उन्हें इतना महान कहा जा रहा है वो उनके ही वर्क, काम का फल है, जो वो अपना पूरा लाइफ स्ट्रगल किए फॉर फ्रीडम। वैसे तो इस देश में मिनरल एंड जम्स काफ़ी हैं इस धरती पे दबे हुए, लेकिन अगर माना जाए तो इसे महान लोग, पीपल ही देश के असली वेल्थ होते हैं, चाहे वो वोमेन हो या मैन।
सभी लोग अच्छे काम के लिए अपनी लाइफ की चिंता ना करते हुए न्यू इंडिया में शामिल हो जाते हैं। मंडेला कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन वो इंसान इन सब में हिम्मत से काम लेता है बिना टूटे। एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जो कह दे कि मैं डरता नहीं, बहादुर इंसान वो होता है जो उस डर पे विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी इंसान चाइल्ड से जन्म लेते के साथ ही वो किस रेस कलर रिलीजन से है वो लेके जन्म नहीं लेता। अगर कोई इंसान नफरत करता है तो उसे प्यार करना भी आता है। इंसान की अच्छाई गुडनेस एक फ्लेम की जैसे है जो छुपा तो रहता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। लोगों को अपने लाइफ में दो चीज़ों के लिए हमेशा एहसान मंद रहना चाहिए। फर्स्ट हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रेन, एंड सेकंड उनके लोग, हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में उस वक्त ऐसा नहीं था। अगर कोई इंसान ब्लैक है और वो एक अच्छा ज़िंदगी, एक इंसान जैसा लाइफ जीने की कोशिश करता है तो उसे काफ़ी टॉर्चर किया जाता था और सबसे अलग, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता था। और कोई इंसान जो दूसरे लोगों को हेल्प करता था, अपनी ड्यूटी अच्छे से करता था, उस इंसान को ही उसके फैमिली से अलग कर दिया जाता था। अब मंडेला कहते हैं कि स्टार्टिंग में वो अपने लोगों को, फैमिली को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया अपने लोगों के लिए, जो ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियाँ थीं सभी लोगों के प्रति, उन चीज़ों में काफ़ी रुकावटें आ रही थी। जब मंडेला का जन्म हुआ तो वो आज़ाद थे, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हार्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन इन हिज विलेज, फ्री टू रोस्ट मीट्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द स्लो बल्ब। लेकिन वो धीरे धीरे ये देखने लगे, समझने लगे कि वो आज़ाद नहीं है, उनके ब्रदर, सिस्टर, फैमिली कोई भी आज़ाद नहीं है। अब ये सब देख एक अच्छा सिंपल लड़का जो सारा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता था, वो अब क्रिमिनल बन गया था। तो जो अब तक अपने फैमिली से प्यार करता था वो इन सब से दूर हो गया था, एक ऐसे ज़िंदगी जीने लगा था जो एक मॉन्क जीते थे। वो दूसरे लोगों को देख, अपने गुलामी को देख, मंडेला अपने थोड़ी सी आज़ादी जो उन्हें मिल रही थी, वो उस आज़ादी को भी ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे थे। इस आज़ादी को वो कोई डिवाइड नहीं कर सकता। मंडेला कहते हैं कि उन्हें ये बात पता थी, जो इंसान दूसरे को दबा रहा है उन्हें भी उतने ही आज़ादी चाहिए जितना उन दबे हुए इंसान को चाहिए था। तो इंसान दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीन लेता है, वो प्यार नहीं नफरत का शिकार है। वो दबाने वाला पर्सन भी एक ऐसा प्रिशन में बंद है जहाँ उनकी सोच नैरो नीडेड है, नफरत के जेल में बंद है। अगर आप किसी के आज़ादी को छीनते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद भी आज़ाद नहीं हैं, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से मैं खुद में आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी कोई छीन ले। तो चाहे दबने वाला हो या दबाने वाला, दोनों की आज़ादी, इंसानियत छीन ली जाती है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।